हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंसारी देसी किचन। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ अलग रेसिपी। तो यहाँ पे हमने भुट्टे के दानों को अलग अलग कर लिया है और टोपोट में लगा दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो आप चाहे तो दाना को अलग अलग करके भी बॉईल कर सकते, ज़रूरी नहीं इसके अंदर लगा ही कहीं बॉईल करें। तो देखिए हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप चाहे तो आरा रोट भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालूँगी। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आरा रोट डालें, वरना कॉर्नफ्लोर ही डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम डालें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे थोड़ा सा नींबू। अगर नींबू नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे चाट मसाला या आमचूर पाउडर जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर दे रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई, जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बॉईल हो रखा है तो जल्दी से ही फ्राई हो जाएगा, पर क्रंची बनाना थोड़ा सा डीप फ्राई करना ही पड़ता है ताकि थोड़ा सा क्रंची बन जाए। उसके बाद इसको देखिए हल्का सा आपका कलर चेंज होते हुए दिख रहा होगा, इसको हल्का सा और करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्रंची, इसकी कलर बिल्कुल येल्लो येल्लो हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तेल को साइड करके। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बिल्कुल इसमें नमक मिर्ची सब कुछ डाला हुआ। अगर चाहे तो इसके ऊपर नींबू और डाल के इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ बनाएंगे शिमला मिर्च पिज्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को लिया है, इसके ऊपर के हिस्से को हम अच्छी तरह से कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे गोल शेप में अच्छी तरह से मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद ये जो बीच की पार्ट है उसको भी हम आराम आराम से अलग कर देंगे ताकि हमारा साइड का कटे नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल गोल ही रखना है। तो देखिए अभी मैं आराम आराम से बीच की साइड को भी अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम बाकी सब शिमला मिर्च को भी इसी तरह कट कर लेंगे, गोल शेप में, अंदर से खोखला जिसे बोलते हैं उसको बिल्कुल अंदर से खाली कर देंगे। अब हम इन सब शिमला मिर्च को अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, ध्यान रखिए कि नीचे जले नहीं, बस इसको हल्का सा मुलायम जिसे बोलते हैं वो करना है। इसको हल्का सा फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च पिज्ज़ा बनाने के लिए शिमला मिर्च के पिज्ज़ा का पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के टुकड़े लिए हैं कुछ, और यहाँ पे मैंने भुट्टे के दाने को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच तंदूरी मेयोनी डाल रही हूँ, आप चाहे तो वेज वाले डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा डालूँगी टमाटो सॉस। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं डाल चुकी हूँ, अब हम इन सबको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद देखिए हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। नमक आप चाहे तो डाल भी सकते और नहीं भी, पर मैं यहाँ पे काला नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इन सबको मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसको शिमला मिर्च में एक एक करके इसको अच्छी तरह से फुल ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि आप शिमला मिर्च के अंदर ज़्यादा पेस्ट को ना ऐड करें, थोड़ा सा स्पेस खाली रखें क्योंकि हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे में इसी तरह भर लूँगी एक एक करके, उसके बाद इसके ऊपर हम हल्का सा चीज़ दे देंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो चीज़ डाल भी सकते और नहीं भी, पर मैं यहाँ पर चीज़ डाल रूँ, बहुतों का होता है कि चीज़ पसंद नहीं होता है, और यहाँ पर सब लोग चीज़ खाते हैं, तो मैं इन सब के ऊपर हल्का हल्का चीज़ डाल रही हूँ। उसके बाद इसको ओवन में रख देंगे 5 मिनट के लिए। अगर आप ओवन में नहीं रखना चाहते हो तो आप कढ़ाई में हल्का सा तेल दे के इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख दे। उसके बाद आप 5 मिनट बाद इसको निकाल ले। अगर आपको मेरी वीडियो या रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।